ग्वार की फसल में आमतौर पर झुलसा रोग, चूर्ण फफूंदी, उकता रोग और जड़ गलन रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वार के झुलसा रोग के बारे में। ग्वार के झुलसा रोग में पत्तियों पर गोल भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए बुआई से पहले 250 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एग्रीमाइसिन को 10 लीटर पानी के घोल में बीज को 3 से 4 घंटे भिगोकर उपचारित करते हैं। खड़ी फसल पर इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही 75 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर का घोल 300 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। इसी तरह चूर्ण फफूंदी या छाछिया रोग में पत्तियों की ऊपरी सतह पर शुरू में सफेद गोलाकार पाउडर जैसे धब्बे बन जाते हैं। बाद में पाउडर पूरे तने और पत्तियों पर फैल जाता है। पत्तियां छोटी रहकर पीली पड़ जाती हैं और इस रोग के नियंत्रण के लिए डायनोकैप 300 ml का 300 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या 25 किलो गंधक के चूर्ण को प्रति हेक्टेयर दर से भुरकाव करना चाहिए। जड़ गलन रोग में पौधों की जड़ काली होकर गलने लगती है। कई बार हम देखते हैं जब उसमें बीज उपचार करना चाहिए। इस रोग की कवक मिट्टी के अंदर पाई जाती है जिसे नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से पहली जुताई के बाद जमीन में मिलाते हैं और बीज को बुआई से पहले कार्बन डाइजिम 2 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित करते हैं। उकटा रोग में पौधे मिट्टी में पर्याप्त नमी के बावजूद भी मुरझाने लगते हैं जिससे पौधा सूख कर मर जाता है। पौधों की जड़ को उखाड़ कर देखने पर भूरे व काले रंग की धारियां दिखाई देने लगती हैं। इस रोग से नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रथम जुताई के बाद भूमि में मिलाते हैं और बीज को बुआई से पहले कार्बन डाइजिम 2 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित करते हैं। इस तरह ग्वार की फसल के लिए रोग प्रबंधन होता है।